भाई बोट ने नए नए बोल्ट ऑडियो एयरबेस Q10 लॉन्च किए। सबसे पहली बात, इतना लंबा नाम क्यों है? बोल्ट ऑडियो Q10 ही बोल दो, एयरबेस बीच में क्यों डाल रहे हो? और भाई ये प्रोडक्ट 1300 रुपए में आया है, इनिशियली 1300 रुपए में, आगे जाके 1500 रुपए के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइस टेक और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस ईयरफोन का और देखते हैं क्या आपको इस प्राइस ब्रैकेट में ये लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉक्स कंटेंट से। आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको आपकी वारंटी कार्ड एंड मैनुअल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको आपके ईयरफोन का केस मिल जाएगा जिसके अंदर ईयरफोन्स है, और एक एक्सेसरीज का बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर आपको टाइप सी की केबल मिल जाएगी एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती है। अब आते हैं इस प्रोडक्ट के डिज़ाइन पर। भाई ये प्रोडक्ट का डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया, देखने में अच्छा दिखता है। मैंने पर्सनली वाइट कलर लिया क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिख के आ रहा था फोटोज़ में, और सही में अच्छा दिखता है। मैट फिनिश है पूरा जो काफ़ी सही दिख के आता है। ये थोड़ा सा ग्रे एक्सेंट्स है जो अच्छे दिख कर आते हैं। ऊपर आपको बोल्ट ऑडियो का ब्रांडिंग मिल जाता है, पीछे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने मिलता है, टाइप सी नहीं है, ये याद रखना। मैं जब ये प्रोडक्ट खरीद रहा था मुझे कहीं नहीं पता था कि माइक्रो USB है, टाइप सी है। लेने के बाद पता चला कि इसमें माइक्रो USB है, टाइप सी नहीं है। उसके बाद डब्बी की मैं बात करूँ तो ठीक है, डिसेंट मैग्नेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अंदर आपको आपके बड्स देखने को मिल जाते हैं, और हाँ, चार्जिंग केस के अंदर LED है, बाहर नहीं है। अब आते हैं बड्स के ऊपर। भाई ये बड्स का डिजाइन मुझे थोड़ा सा सैमसंग गैलेक्सी बड्स से इंस्पायर्ड लगा, बट थोड़ा सा अलग भी है। अलग इसके लिए क्योंकि ये पार्ट जो आपके कान में जाता है वो थोड़ा सा लंबा है, जिसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा डीप तक अंदर चला जाता है। बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत से लोगों को नहीं लगेगा, मुझे पर्सनली इतना इश्यू नहीं हुआ। हम कंफर्ट की बात आगे करेंगे। बड्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी पूरा आपको व्हाइट एंड ग्रे एक्सेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा दिख कर आता है। चार्जिंग पिन्स मिल जाती है, यहाँ पे आपको टच एरिया मिलता है, टच एरिया पे ही आपको माइक देखने को मिल जाता है, और उसके नीचे आपको LEDs देखने को मिलती है। बट की बात करूँ तो अच्छा डिज़ाइन है, ऐसे कोई मुझे इशू नहीं लगा। कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो ये प्रोडक्ट का डिज़ाइन मैंने आपको बताया थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा लंबा है, कान के बहुत अंदर तक चले जाता है। सो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा टाइट फील करता है, कान के अंदर एयर प्रेशर सा बन जाता है, और जिसके कारण कान में अंदर जाके चिपक भी जाता है, क्योंकि ये छोटा है तो एकदम अंदर जाके फिट हो जाता है, ऐसा लग रहा है किसी ने अंदर जाके ठोक दिया है। मैंने 3-4 घंटे पहना, इशू तो नहीं हुआ, बट थोड़ी थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप थोड़ा सा भार रख रहे हो तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा, पर आपको अच्छा आइसोलेशन चाहिए, साउंड आइसोलेशन चाहिए, लीकेज नहीं चाहिए, तो आपको थोड़ा सा टाइट पहनने पड़ेंगे इन्हें। बाकी कंफर्ट को लेके इतना कोई खास इशू लगा नहीं मुझे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी। भाई यहाँ पे आपको मिलता है ब्लूटूथ 5, डिसेंट है। आपको अगर इन्हें अपने फ़ोन से पैर करना है तो भाई पहले आपको ये लिड खोलनी है, बर्ड्स को बाहर निकालना है, फिर ही आपके फ़ोन से पैर होगा। सो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। हाँ, एकदम फास्ट पैरिंग तो नहीं बोल सकते, बट डिसेंट है मेरे हिसाब से। कनेक्शन में रेंज की मैं बात करूँ तो 9-10 मीटर के आसपास का रेंज था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से पहन के घूम पा रहा था। अब बात करते हैं मोनोपॉड फीचर। मोनोपॉड फीचर का मतलब या इधर लेफ्ट या इधर राइट इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हो, वो मैं इधर यूज़ कर पा रहा था। सपोज़ मैंने लेफ्ट निकाला और पहन लिया, डब्बी बंद है, अपना म्यूज़िक एंजॉय कर रहा हूँ, बाद में मुझे लगा राइट की ज़रूरत है, इसको निकाला, राइट पहन लिया, और दोनों सिंक में आ गए, पैर हो गए। ऐसे ही आप राइट से भी कर सकते हो, लेफ्ट को डब्बी में रख सकते हो, तो मोनोपॉड फीचर डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर लेता है। अब आते हैं इस प्रोडक्ट का स्पेशल फीचर, जो मेरे हिसाब से साउंड क्वालिटी है। भाई 1300 रुपये का प्रोडक्ट है, मैं 1500 पकड़ के चलता हूँ। इसका साउंड मुझे जेन्युइनली बहुत मस्त लगा है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा बेस देखने को मिल रहा है, मतलब भाई मुझे अंदर अपने ईयर ड्रम्स में, सच बता रहा हूँ, ऐसे फील हो रहे थे ड्राइवर्स वाइब्रेट होते हुए। इतना अच्छा बेस देखने को मिला है, जो थंप था ना वो देखने को मिल रहा था, और मुझे मज़ा आ रहा था। ट्रेबल्स बहुत अच्छे लगे मुझे इस प्रोडक्ट में। हाँ, वॉल्यूम्स काफ़ी हाई तक जाती है, चुभती बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की चुभेगी अगर आपको आदत नहीं है हाई वॉल्यूम्स की, काफ़ी हाई चली जाती है। और दूसरी बात, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है, मैंने आपको बता दिया, बहुत अंदर तक जाते हैं, जिसके कारण साउंड क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। आपको अच्छा आइसोलेशन मिलता है, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है। फुल वॉल्यूम पे आजू बाजू क्या चल रहा था मुझे नहीं पता था। बेस के साथ मुझे अच्छे वोकल्स भी मिल रहे थे, हल्के से दब रहे थे, हल्के से सप्रेस्ड मैं बोल सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छे थे। एंड अगर इस प्राइस के हिसाब से मैं बात करूँ, 1500 के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगा इस प्रोडक्ट का साउंड क्वालिटी डेफिनेटली अमेजिंग है, और बहुत अच्छा बेस लगा है मुझे। मतलब भाई मैं इसके बेस से जब मैंने फर्स्ट शॉट पे इसे खोला ना, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था टाइप सी देख के, बोला यार टाइप सी रहना था क्योंकि प्राइस ब्रैकेट में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और जब मैंने इसका बेस सुना ना, जब मैंने इसका साउंड सुना ना, पर्सनली मुझे ऐसा लगा भाई डील है,
मतलब इतना अच्छा साउंड लगा है मुझे पर्सनली भाई। वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आ गए और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ऐसी वीडियोस आती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। भाई बोल्ट ने यहाँ उंगली करने को बहुत ऑप्शन दिए है, मतलब टच कंट्रोल्स। आपको यहाँ पे सिंगल टैप मिल जाता है जो आपका म्यूजिक प्ले पॉज कर देता है, आपको डबल टैप मिल जाता है राइट पे क्या म्यूजिक नेक्स्ट, लेफ्ट पे क्या म्यूजिक प्रीवियस, ट्रिपल टैप नहीं मिलता है, और होल्ड राइट पे किया तो आपका गूगल एंड सीरी, लेफ्ट पे किया तो वो भी गूगल एंड सीरी। और हाँ एक और चीज़, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स नहीं देखने को मिलते हैं बड्स के ऊपर। अब आते हैं माइक क्वालिटी, तो ये सुनो। मैं यूज़ कर रहा हूँ बोल्ट ऑडियो Q10 और मैं मेरे स्टूडियो बैठा, मेरे पास इसमें टैंक भी है और सामने इधर भी शुरू है, आप खुद ही टेस्ट कर सकते हो कि वीरिंग कॉल की माइक क्वालिटी आपकी कैसी है। अब बात करते हैं आईपी रेटिंग, यहाँ पे आपको IPX5 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं गेमिंग एंड लेटेंसी, यहाँ पे आपको अप्रॉक्सिमेटली 100-110 मिलीसेकंड्स के आसपास की लेटेंसी मिलती है और कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है, सो डिसेंट है मेरे हिसाब से। अगर आप एक कैजुअल गेमर हो तो इतना इशू नहीं होगा, हाँ हार्डकोर गेमर हो या कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा इशू हो सकता है। मुझे पर्सनली नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत ही करता हूँ, तो इसलिए पर्सनली इतना ज़्यादा कोई खास इशू नहीं हुआ। अब बात करते हैं बैटरी, तो भाई यहाँ पे आपको मिलती है 24 घंटे की बैटरी लाइफ केस में, ऐसा कंपनी बोलती है, मुझे मेरे पर्सनली उस पर 20-21 घंटे के आसपास मिली है। और अगर मैं बड्स की बात करूँ तो कंपनी बोलती है 6 घंटे और मुझे 5-5.5 घंटे मिली है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। अगर एक TWS में इतने से फॉर्म फैक्टर में 5 घंटे से ज़्यादा बैटरी लाइफ मिल रही है, यहाँ पे 20-24 घंटे मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डिसेंट है, आपको इतना इशू नहीं होना चाहिए, इजीली आपका एक दिन के ऊपर निकल जाएगा। Q10 मुझे कैसे लगे, अगर मैं सच बताऊँ तो डिज़ाइन मुझे इस प्रोडक्ट का अच्छा लगा, कंफर्ट अच्छा है, बस इतना है कि थोड़ा सा कान के अंदर ज़्यादा घुस जाते हैं, इतना बड़ा इशू तो नहीं है मेरे हिसाब से। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छी है, मोनोपॉड अच्छा है, साउंड क्वालिटी अमेजिंग है, टच कंट्रोल्स अच्छे मिल जाते हैं। तो सर गेमिंग एंड लेटेंसी ओके है, मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। IPX5 का रेटिंग है जो मेरे हिसाब से डिसेंट है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जिम जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, बैटरी लाइफ भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 1300 या 1500 तक मेरे हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर ये माइक्रो USB पोर्ट आपके लिए बहुत बड़ा बमर है ना तो मत लेना, बट मैं पर्सनली सच बताऊँ तो इसको रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे साउंड बहुत अच्छा मिला है मुझे। बाकी चीज़ें तो सारे TWS में मिल जाती है, बट मेन यहाँ पे आपको अच्छा साउंड देखने को मिल रहा है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।